हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस ब्लूबेरी फ्लेवर केक। जन्माष्टमी स्पेशल केक है फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर से आप ट्राई करिएगा। कल जन्माष्टमी है फ्रेंड्स, तो ये देखिए बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस फ्रेंड्स है। ब्लूबेरी का मैंने क्रश यूज़ किया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने वेनिला स्पॉन्ज केक ले लिया है, इसको मैंने 4 लेयर्स में कट किए हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्पॉन्ज कितना अच्छा बना है, ये मैंने घर पर बनाया है। अगर आपको स्पॉन्ज कैसे बनाना है उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर ले लिया है और इसको मैंने मॉइस्ट किया है पानी से। मैंने पानी में चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया, सिर्फ सिंपली पानी से इसको मॉइस्ट किया है ताकि केक में मॉइस्चर रहे और खाने में सूखा सूखा नहीं लगे। तो ये देखिए हमारा केक हो गया मॉइस्ट। अब हम लोग इस पर व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, व्हिपिंग क्रीम कैसे व्हिप करते हैं उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं उसका भी लिंक आपको कमेंट में दे दूंगी। फिर मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी का क्रश यूज़ किया है, फिर मैंने सेकेंड लेयर इसमें ऐड किया है स्पॉन्ज का, और फिर सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करते जाएंगे टिल फोर्थ लेयर। तो यहाँ पे मैंने केक का लेयर रखा है, फिर उसमें क्रीम रखा है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मैंने मालाज का ब्लूबेरी का स्प्रेड लगाया है। ये देखिए हमारा सेकेंड लेयर हो गया है रेडी। अब ऐसे मैं थर्ड लेयर भी रेडी करूँगी और फोर्थ लेयर तक हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट में बताइएगा, इसकी फिर मैं डिटेल वीडियो भी जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊँगी। तो ये देखिए मैंने फोर्थ लेयर भी इसमें प्लेस कर दिया, आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 लेयर हो गया है हम लोगों का। अब हम लोग बाहर से इसको क्रम्ब कोटिंग बोलते हैं, जो सेमी फिनिशिंग होता है केक का, वो करेंगे। तो ये देखिए हमारा मेरा सेमी फिनिशिंग भी हो गया है और ये लगभग फिनिशिंग जैसा ही है। जहाँ पे भी आपको कुछ लगे कि अच्छे से फिनिश नहीं हुआ तो वहाँ पे और क्रीम अप्लाई करेंगे और उसको फिनिशिंग देंगे। तो ये मैंने सिर्फ बेसिक सा केक बनाने का वीडियो लेके आया है, इसे मैंने कोई भी डेकोरेशन नहीं लाई हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको और भी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए हमारा केक हो गया है रेडी, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब चलिए इसको कट करके देखते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे केक की लेयर्स कितनी अच्छी है, पूरा आपको दिख रहा है कि ब्लूबेरी क्रीम और स्पंज का लेयर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लेयर बाय लेयर देख सकते हैं, और आप इसको काउंट भी कर सकते हैं कि मैंने कितने लेयर्स लगाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं ज़रूर लेके अपलोड करूँगी। और इस जन्माष्टमी इसको ज़रूर से बनाइएगा। केक का स्पंज का रेसिपी भी मैंने अपलोड किया है पहले अपने चैनल पे, तो सारी रेसिपी के लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्लस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से ज़रूर से ट्रैक चेक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।